हरे कृष्ण जी बोलते हैं। ओम ज्ञान तुमिराम दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाई तुलसी देवी प्रिया अयि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म निखिला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, ये जो ग्रंथ है प्रभुपाद को जो भक्त लोग ने अलग अलग समय पर उन्होंने अलग अलग प्रश्न की उसका जो उत्तर दिया ये ग्रंथ है। किसी ने प्रश्न किया है इस जगत में भगवान इतने दुख कष्ट क्यों दे करके रखा है, संसार में ठाकुर जी दुख कष्ट को क्यों दे करके रखा है। देखो इसका उत्तर में प्रभुपाद देते हैं। भगवान बोले ये तो दुख कष्ट ये तो आपत्ति विपत्ति साजिए देखे तुम्हारे तो दुख देवार जने नय। यहाँ भगवान कहते हैं मैंने जो ये संसार में ये दुख कष्ट को जो सजा करके रखा है इसका मतलब नहीं मैं सब जीवों को दुख कष्ट देना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि भगवान हमारे पिताजी है ना। अब देखना अगर बच्चे खुश रहे तो पिता माता भी खुश रहते हैं। इसलिए भगवान थोड़ी चाहते हैं मेरे संतान संसार में दुख कष्ट भोगकर, थोड़ी ठाकुर चाहते हैं, ठाकुर जी ये नहीं चाहते हैं। फिर प्रश्न होता है इतना सजा करके, सजा करके समझते हो, सजा कर मतलब बहुत बढ़िया सुंदर से सजा सजा धजा कर कोई चीज़ को रखते हैं ना। बोलते हैं भगवान ने संसार में ये दुख कष्ट को बढ़िया करके सजा करके रखा। जैसे अपना हाथों से कोई चीज़ को बढ़िया से सजा धजा करके रखते हैं, बोले ऐसे सजा धजा कर उन्होंने क्यों रखा है। बोले कारण है ये दुख कष्ट देने के लिए नहीं है, भगवान का ये उद्देश्य नहीं सब जीव दुख कष्ट भोग करे। बोले फिर बोले परंतु दुखटा अप्रयोजनीय इहा शिक्षा दीवार जन्य नित्य प्रार्थनीय सुख नित्य वरणीय आनंद अनुसंधान जन्य। भगवान कहते हैं, भगवान ये कहते जो दुख कष्ट को दे करके रखा है इसका मतलब नहीं दुख कष्ट देना, कहते ये दुख हमारी प्रयोजनीय वस्तु नहीं है, हम दुख कष्ट नहीं चाहते हैं, हैं दुख कष्ट को हम नहीं चाहते। इसको शिक्षा देने के लिए इसलिए नित्य वरणीय आनंद सुख अनुसंधान जन्य। अगर दुख कष्ट नहीं देंगे ना फिर तो भगवान को कोई जीव जगत में भजन नहीं करेगा, कोई हैं कोई भजन नहीं करेगा, सुख के लिए कोई ढूंढेगा नहीं। संसार में अगर हर समय सुख सुख रहे ना, अपना बाल बच्चे दुनियादारी संसार को लेकर के दिन भर अगर सुख में रहे कौन भगवान के भजन के लिए आएगा। कहे हम तो संसार में मस्त है भगवान के भजन क्यों करेंगे, किस चीज की कमी हमारी तो भगवान की भजन करेंगे। दुख है तभी जीव सुख को ढूंढता है। और जो सुख फिर कहाँ पर है, कहते अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण द्वय
ताहते एखन विश्राम लभी आचारिनो भगर भय। भक्तिमनो ठाकुर कहते हैं भगवान के चरण में अशोक है, जहाँ पर कहीं शोक नहीं, अभय है, और भगवान के चरण में अमृत, केवल ठाकुर की चरण में, और कहीं ये चीज नहीं है। अगर ये दुख नहीं रहता तो जगत में कोई भी प्रभु की भक्ति नहीं करता, कोई भी भगवान के भजन में नहीं आते। दुख है तभी जीव सुख ढूंढता है, और सुख कहाँ पर है? और भगवान की चरण में ही सुख, और कहीं सुख नहीं। इसलिए हर शास्त्र पुकार पुकार कर कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, इसमें ब्रह्म सूत्र का ये पहला सूत्र है, कहते अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें तीन शब्द है, अथ मतलब होता है, हैं जीव संसार में सुख चाहता है, लेकिन सुख जहाँ पर है वो वहाँ पर सुख को नहीं ढूंढ करके वो ढूंढता है कहाँ पर? बोले गलत जगह पर। हैं, कोई माता जी रोड को पर सुई ढूंढ रही थी एक घंटा तक, किसने देखा माता जी एक घंटा से क्या ढूंढ रहे हो? बोले बेटा मेरे कहीं सुई कहीं खो गई। बोले सुई खोई थी कहाँ पर? बोले घर में। बोले फिर रोड में क्यों ढूंढ रही हो एक घंटा से? जहाँ पर सुई खोया वह तो जाकर ढूंढो, सुई तो तभी मिलेगी। खोया एक जगह पर, लेकिन तुम ढूंढ रहे हो अन्य जगह पर। इसलिए सारे दुख कष्ट का मूल कारण है। महाप्रभु को जब सनातन गोस्वामी पूछे, उनका दो प्रश्न था, बोले के आमी, मतलब मैं कौन हूँ, के न मरे जार तापत्रये, ये संसार में तो कोई दुख चाहता नहीं, तब भी ये आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ये दुख कष्ट फिर क्यों आता है? आप कृपा करके बताओ। पर महाप्रभु क्या बोले, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का जो असली स्वरूप है, हम सबके सब भगवान के नित्य दास है, और सारे दुख का कारण क्या है? बोले कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया धरते संसार दुख। सारे संसार दुख का एक ही कारण है, हमने भगवान को भूल गए, असली पिता को भूल गए, इसलिए सारे दुख। जब प्रभु के शरण में आ जाएंगे फिर तो दुख कष्ट फिर खत्म हो जाएगा, है दुख कष्ट रहेगा नहीं। अभी यहाँ पर फिर प्रश्न किसने किया है, अभी प्रभु के शरण में आने पर तभी तो दुख कष्ट दूर जाएगा, नहीं तो दूर नहीं जाएगा। लेकिन अभी प्रश्न है, हम लोग बोले कि हम तो प्रभु को स्मरण कर ही रहे, फिर भगवान की भक्ति तक कर ही रहे, फिर प्रश्न है फिर दुख कष्ट क्यों नहीं जा रही थे, फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए किसने फिर प्रभुपाद को प्रश्न किया, फिर हम लोगों का ये भगवत अनुभूति जब होगा ना, जब भगवत अनुभूति होगा तभी ये दुख कष्ट जाएगा। लेकिन इसलिए किसने प्रश्न की है, फिर हम लोगों का अनुभूति क्यों नहीं हो रही? अनुभूति होनी चाहिए ना, भगवत अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन फिर अनुभूति फिर क्यों नहीं हो रही? तो उसका प्रभुपाद उत्तर देते हैं, बोले भगवत सेवक जी भगवान और भक्तर संग सेवा अनुक्षण ना कर ले कि करी भगवत अनुभूति होगा। इसलिए यहाँ उत्तर देते हैं, अनुभूति कब होगा? जब भगवान की स्मरण, भगवान की कीर्तन, भगवान की भक्ति करेंगे तब तो अनुभूति होगा। इसलिए भगवान भक्तर संग अनुक्षण कर ले कि करी भगवत अनुभूति हवे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रभु की भक्ति कैसे करनी चाहिए, कहते हर समय भक्ति कैसे होनी चाहिए, हर समय भक्ति होनी चाहिए। कल गुरुदेव बोल रहे थे ना, जैसे शहद को जैसे गिराओ, जैसे उसमें के धागा बन जाती है, जैसे धागा बन जाती है, ऐसे ही भगवत जो स्मरण भगवत कीर्तन ऐसे होनी चाहिए, उसको निरंतर जमयी होनी चाहिए। आप बोलोगे हम थोड़ी साधु जो दिन भर माला लेकर बैठ जाएंगे, हम तो घर गृहस्थी है, हैं अपना बाल बच्चे दुनियादारी सब कुछ है हमारी, पर ऐसे कैसे होगा? इसलिए कहते जब कोई हम काम करते हैं उसमें हर समय हमारी अनुभूति होनी चाहिए, हम जो कुछ करते भगवत सेवा ही कर रहे हैं, हाथ में जो कुछ कर रहे हैं, रसोई भी बना रहे हो ठाकुर जी के लिए, घर में झाड़ू लगाते हो तभी ठाकुर के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, स्नान भी करते हैं, जो कुछ हम करते हैं उसमें स्मरण क्या होनी चाहिए, भगवत सेवा के लिए ही हम सब कुछ काम को कर रहे हैं।
और क्या करो, हाथों में सेवा करनी चाहिए, हर समय भगवान के नाम को हर समय में करनी चाहिए। अगर हर समय भगवान का नाम करेंगे ना, फिर कम भगवत अनुभूति रहेगा, भगवत अनुभूति रहेगा। इसलिए हमारे मतलब तीन तरह का भक्त होता है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कहते उत्तम भक्त किसको कहते हैं, बोले जिसको दर्शन मात्र से ही जो भगवत है, जिसको दर्शन मात्र से ही है मुंह में भगवान की नाम आ जाए। बोले मध्यम क्या है, बोले जो हर समय जो 24 घंटा में 24 घंटा जो हरि नाम को करे, हर समय चलते उठते बैठते। महाप्रभु बोले ना, यह जप गया सबे करिया निर्बंध। महाप्रभु बोले मैंने जो हरि नाम दिया है कि सहने सोते समय, क्या भोजन है भोजन करते समय, की बात जागरण जागते समय, क्या करो हर समय अपना मुंह में भगवान की नाम बोलो। अगर इतना हो जाए तो काम बन जाएगा, इतना हो जाए तो काम हमारी बन जाएगी। जो कुछ हर समय करते रहो और मुंह में क्या गुनगुना करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जोर से बोलो, अगर हर समय ऐसे भी हरिनाम करेंगे ना, आप देखना आपको जरूर भगवत अनुभूति होगा। आप देखना सोते समय भी आपके जो स्वप्न आएगा ना, आते रात स्वप्न में आए दहिया पी गए सारा। अब अगर हर समय अब हरिनाम करेंगे, आप स्वयं देख लेना, हर समय अगर हरिनाम करोगे, किसी ने पूछा महाप्रभु बोले ठीक है जगते समय तो प्रभु का नाम ले लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन सोते समय कैसे हरिनाम लेंगे, सत्य समय हरिनाम कैसे लोगे, उस समय तो सो जाते हैं। लेकिन अब एक चीज को देखना, जो काम को करते 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 तुम्हारी चित्त अभिष्ट हो जाता है कोई चीज में, देख लेना बहुत ज्यादा किस चीज में तुम्हारी चित्त अभिष्ट हो गया किसी कारण से लोगे, आप देखना जो सोते समय ना वही चीज स्मरण है। अगर दिन रात अगर तुम भगवान की चित्त चरण में अभिष्ट मन है, फिर देखना सोते समय भी किसकी याद आएगी, सोते समय भी भगवान स्वप्न में आएंगे, फिर उल्टा पुल्टा गंदी गंदी चीज स्वप्न में नहीं आएंगे हैं। अगर इधर उधर सोचेंगे फिर तो सोते समय भी उल्टा पुल्टा हमारे स्वप्न में आएगी। इसलिए हर समय भगवत स्मरण को हमें करनी चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं हमारा सांसारी व जागृत की व्यापार में ये व्यस्त थकले जगत ईश्वर्य साड़ा की करी पाभो। यहाँ पर कहते हैं अगर हम लोग हर समय ये संसार के विषय को लेकर के जागत के व्यापार को लेकर के अगर हम उसमें डूबे रहेंगे, फिर जगदीश फिर भगवान की साड़ा की कृपा वो मतलब भगवान की अनुभूति हमें कैसे होएगी हैं। हम तो चित्त को दूसरे दूसरे चीज में चित्त को हमने लगा करके रखे हैं, पर भगवान की अनुभूति हो ही नहीं सकती हैं। जिसका चिंतन करके उसकी अनुभूति होगी। इसलिए वर्तमान दुष्ट आसार बसवर्ती है, आमादर एमन एकटा दुर्बुद्धि होए छे जे ऐ जगत संगे आमादर भारी काज पड़ी गे छे। तो प्रभुपाद कहते हैं दुष्ट व्यापार बसवर्ती है। अभी क्या हुआ है, हमने भगवान को भूल गए, भूल करके हमने कोई गलत चीज में हमने फंस चुके हैं, किसी गलत चीज में हम लोग ने फंस चुके हैं। बोले कौन सा गलत चीज, बोले माया चीज में हमने फंस गए। आए थे तो आए थे हरि भजन को, लेकिन कोट न लगे कपास। इसलिए आए थे तो भजन करने के लिए, लेकिन हमने दूसरे काम में हमने फंस गए हैं। इसलिए फंस जाने का वजह से हमारी जो दुर्बुद्धि है ना, अभी हमारी दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि समझते कि नहीं, सुबुद्धि नहीं, हमारे मन में दुर्बुद्धि आ गया है। इसलिए अभी जो काम हमें करने चाहिए अभी हम वो काम को नहीं करके क्या कर रहे हैं, हमारे भारी काज पड़ी गए छे, मतलब हम लोगों का बड़ी वजनदार काम आ गया है। मतलब भगवान के भजन तो एक तरफ में तरह लग दिया, प्रभु का भजन को छोड़ करके हमने किसी दूसरे काम में ही हम बिजी रह गए। अब देखना जब कुत्ता पेशाब करता है ना, अरे भागते 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 जाता है, लगता है कोई अर्जेंट कोई टेलीग्राम आ गया इसका, अब देखना। लेकिन क्या भागते 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 जाएगा, टांग उठा करके दीवार में पेशाब करेगा, फिर उधर भागते 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 फिर आएगा।
है, लेकिन लग गया जैसे कोई अर्जेंट टेलीग्राम। अब देखो ना कुत्ता को कभी खड़े होते हुए नहीं देखो, हर्ष में भागते रहते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भागवत में एक श्लोक बताए, बोले स्वीर बरा वस्त्र खरे संस्तुत पुरुष पशु न जत कर्णो पथ पेद जातु नाम गदाग्रज। बोले जिनको कान में भगवान की कथा नहीं जाती है, भगवान की वाणी नहीं जाती है, तो भागवत वहाँ गाली दिया। बोले स्वीर है, स्वीर मतलब होता है बिष्टा खाने वाला वो सुअर है, बराह है, बराह मतलब होता है सुअर है, और उष्ट्र तो ऊट है, ऊट क्या करता है कोमल कोमल पत्ता नहीं खाता है, वो कांटा कांटा पत्ता खाता है, मुंह से खून निकलता अपना मुंह से उसको खा कर खुश खुश होता है। क्या बढ़िया चीज खा रहा हूँ है, इसलिए वो क्या है एक कुत्ता है, हड्डी चिबाने वाले कुत्ता है, हैं? और खरे मतलब होता है वो एक गधा, जैसे गधा पीठ गोबर में दिन भर बोझा को दिन भर ढोटा रहता है, खाता है क्या कोई भूसा खाता है। हम भी इसी संसार में जो भजन करते हैं उनके लिए तो ये बात नहीं कह रहे, जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए ये बात को कहते हैं, जो प्रभु के भजन के बगैर जो ये जीवन को बिताते हैं उनका जीवन कैसे वृथा जीवन, उनकी बेकार उनका जीवन बीत रहा है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जैसे इस संसार में बहुत बड़ा कोई हमारे काम पड़ गया है, जैसे जो काम के लिए आए थे उसको तरह दिया प्रभु का भजन को, और जो काम नहीं करने के लिए आए थे ना उसको ही हमने बहुत बड़ा दायित्व हमने समझ लिया, नहीं हमारी ये संसार में ये कर्तव्य है ना, ये सारी कर्तव्य हम ये करना वो करना वो करना वो करना। अरे तुम आए थे तो इसलिए, जब मातृ गर्भ से जब जीव आता है भगवान से कसम खा करके आता है, प्रभु एक बार केवल ये मानव शरीर दे दो, कभी भी ये झूठे संसार में नहीं फंसूंगा, उठते बैठते सोते तेरा भजन करूंगा, यही तो कसम खा करके आए थे ना। और जो काम के लिए आए उसको तो छोड़ दिए और दूसरे काम में लग गए, ये लगता है बड़ा दायित्व बनने चले प्रभु बात की, बहुत बड़ा काम में जैसे हमने लग पड़े, जो असली काम तो छोड़ दिया और नकली काम में लग पड़े हम लोगों ने, फिर ये जीवन वैसे चला गया, जीव चला गया वैसे ये जीवन तो चला ही गया, और जाकर फिर वही चौरास लगते जीवन में फिर भटकते रहो। इसलिए प्रभु बात कहते हैं बोले चोरा बालीर ऊपर बा पाद ले जीवन पाप फसे जाए सही रूप है ऊपर निर्भर करे हमारा डूबे जाची। तो उन्होंने एक उदाहरण प्रभु बात दे करके समझा, एक है रेती है ऊपर ऊपर में रेती दिखता है हैं, लेकिन उसको नीचे पानी है, लेकिन वो पता नहीं चलता है फल्गु नदी है, वो फल्गु नदी में क्या ऊपर ऊपर में ना केवल पानी पानी दिखती है, लेकिन उसको नीचे ऊपर ऊपर से रेती दिखती है, लेकिन उसको नीचे ना वो पानी नीचे बह रही है, पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसको ऊपर प्यार रखते हैं ना तो नीचे डूब जाती है, उसको अंदर वो डूब जाती है। कहते उसी तरह कहते जिस संसार को प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ये संसार क्या है ऊपर ऊपर तो बड़ी सुंदर दिखती है जैसे सोने का कलश जैसे, लेकिन जब उसके अंदर हाथ डालोगे ना वो जहर के सिवाय उसमें और कुछ है नहीं है। और उसी तरह कहते उसी तरह कहते संसार तो ऊपर में बड़ी शोभा बनिया दिखता है, दूर से कहते ना जो दिल्ली का लड्डू ना बॉम्बे का लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। अभी जो संसार में है वो देख रहे हैं संसार में दुख कष्ट सिवाय और कुछ है ही नहीं संसार में हैं, जो अंदर में जो गए देखते हैं, लेकिन जो नहीं गए ना वो सोचते हैं भैया लड्डू एक बार खा करके देखे तो सही इसमें क्या है, लड्डू में है क्या चीज एक बार खा करके देखे तो जो मरना इसलिए जीव सोचता है इसके अंदर में है क्या चीज, एक बार देख करके हैं, जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। कहते ये संसार ये चोरा बालू जैसे रहती है, पास के अंदर प्यार लगता है पूरा के पूरा नीचे डूब जाओगे, इसलिए कहते साधु सावधान है, साधु सावधान। हमारा कृष्ण मुख्य ना होए दुष्टा सह विशिष्ट होए बहिर्मुख चेष्टा द्वारा समय कटाची। प्रभुपाद कहते हैं हम क्या करें, हम लोग भगवान की प्रति नहीं बढ़ करके, हाँ भगवान की भक्ति के प्रति हम नहीं बढ़ करके हम क्या कर रहे हैं, हमारे हृदय में दुष्टा सह विशिष्ट हो करके
दुष्ट हमारी भावना है कृष्ण उन्मुख नहीं होकर दुष्ट अभिनिवेश अभी हृदय में हमारी आ गई है और होकर क्या कर रहे हैं, हम अपना समय को बेकार ही के जीवन को हम बिता रहे हैं। विष्णु माया हमादिग के भोगी वा कर्म वीर करे आबद्ध कर दीछे। लेकिन ये माया क्या कर रही है हमको, हम लोग माया क्या कर रहे हैं है? जब जीव भगवान की तरफ को पीछे कर देता है ना और माया की तरफ में आगे कर देता है, फिर माया क्या करती है हम लोगों को इस संसार में भोगी बना करके और कहता हम कर्म वीर, अरे हम इतने कुछ कर रहे हैं है? हमने ये किया, हमने सो किया, हम संसार के लिए ये कर दिया, संसार के लिए वो कर दिया, संसार के लिए ये कर दिया, अरे हम दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन संसार के लिए जितने जो कुछ क्यों नहीं करे, उसका परिणाम है बंधन, उसका परिणाम है बंधन। जगत में जितने बड़ा काम क्यों नहीं करो, बल्कि जिस संसार में जितने बड़े से बड़े काम करोगे उतना ज़्यादा ही तुम बंधन में जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करोगे, लेकिन पुण्य का फल क्या है, स्वर्ग है। बस स्वर्ग बाद इसी जगत में आओगे, इसी जगत में आओ आने पर भी क्या होगा, भले ही धन दौलत जितने तुमको क्यों नहीं मिले, लेकिन वो दुख के सिवाय उसमें और कुछ है नहीं। जैसे हम लोग साधारण घर में जन्म हुए, आप देखना खा पी करके हम निश्चिंत होकर सो जाते हैं। दो रोटी तो खाना ना, और कितना खाना, दो रोटी तो खाओगे और इतना ज़्यादा पैसा कमा कर करोगे क्या लास्ट में, दो रोटी के सिवाय तो और कुछ है ही नहीं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसा वाले, उनको पूछो रात को नींद आती है उन लोग को, उनको चैन मिलती है, उनकी नींद आती है, लेकिन नींद हराम हो जाती होगी। हाँ नींद उनकी हराम है, सो नहीं पाते दिन रात चिंतन करते करते। हम लोग तो खा पी कर निश्चिंत होकर रात को सो जाते हैं। बल्कि इस संसार में जिसको ज़्यादा जितने बड़ा काम है ना, अब समझना उतना ही जीवन उसकी उत्का ही उतना ही दुख दुख कष्ट है। ऊपर से दिखता ही बड़ा स्वभाव बना, लेकिन अंदर में फंस कर देखोगे इतने दुख कष्ट, उतने दुख कष्ट सोच नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, ये संसार में जितने बड़े तुम कर्मवीर क्यों नहीं हो, जितने कर्मवीर बन रहे हो उतना संसार में ही तुम फंस रहे हो, दलदल में फंस रहे हो। इसलिए हमें कर्मवीर नहीं बनना है, हमको भक्तिवीर बनना है। क्या करना है, भक्तवीर बनना है हमको, हमको कर्मवीर नहीं बनना है, प्रभु की भक्ति के तरफ में बढ़नी चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, स्वर्ग जे सुखर नाम ताहर ना लही नाम। कभी जो स्वर्ग हम सोचते हैं बड़ा आनंदमय है, भले खबरदार उसका नाम भी मत लिया करो है। इसलिए पाप पुण्य दुई परिहरी, पाप को भी छोड़ो पुण्य को भी छोड़ो। स्वर्ग का राजा कौन है उसको पूछो, सुखी हो तुम? यहाँ पर कोई भजन करना शुरू कर देना, पहले ही उसको खिलबिली उसको मच जाती हो ना, मेरे स्वर्ग पद चले नहीं जाए। इसलिए कितना बार स्वर्ग स्वर बना, इंद्र कभी स्वर बना भी है, कभी स्वर बना, कभी स्वर्ग से खदेड़ दिया देते हो ने और भाग गए, जहाँ करके कहा कमल लाड में छुप करके बैठे, पता नहीं कितने दुर्गति हुई है। इसलिए कहते स्वर्ग के जहाँ सुख है नाम, स्वर्ग जो कहते बड़े सुख भैया उसका नाम, कहते उसका नाम तक भी मत लिया करो। इसलिए पुण्य भी बंधन का कारण है और पाप भी बंधन का कारण है। पाप करोगे नरक जाओगे, पुण्य करोगे इस संसार में धन दौलत पुत्र परिवार ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो हमारी पूरी मथुरा मठ के पास में एक माता जी रहती थी, उनके साथ बेटे 5 थे और बेटियाँ भी 5-6 बेटियाँ। वो मंदिर में कभी कभी आती थी, कहते हम इतने परेशान बोले क्यों, हमारे तो परिवार इतना, बोले इसलिए भी इतना परेशान, आज ये बेटी के घर में ये दुख हो गया, वो बेटे के घर में बेटा का बेटा की परेशानी, ये बेटी की बेटा की ये परेशानी, उसकी इतना परेशानी, दिन भर को तो हाई प्रेशर हो गया। वो कहते मेरे को हाई प्रेशर हो गया कि बहुत बड़ा परिवार है ना, देखना परिवार में इसको आज दुख, उसका ये दुख, कल उसको दुख, इसको कहते हम तो ठीक ठाक, लेकिन इनकी दुख को बाहर में सोचते सोचते मैं ही दुखी दुखी हो रहा हूँ। इसलिए इस संसार में जितने हाथ पैर जितना फैलाओगे ना क्या होगा, उतना ही दुख ही दुख है। इसलिए कहते भैया ये स्वर्ग का नाम मत लिया करो और पाप का बात भी मत लो। बोले तृतीय पंथा मुरारे, कहते हम तीसरे पंथा को चुनो। बोले तीसरे पंथ क्या है, बोले भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम, भगवान की भजन। ये जो प्रभु का जो भजन भक्ति है, कहते तीसरा पंथ है जिसमें कोई बंधन नहीं, जिसमें कोई
बंधन नहीं, जिसमें मुक्ति है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरित। बोले हे अर्जुन, मेरे को छोड़ करके कोई भी तुम कर्म करोगे केवल बंधन बंधन ही है, संसार चक्र में भटकते रहोगे, चौथ ब्रह्मांड 84 लाख जन्म में भटकते रहोगे। इसलिए उसको छोड़ करके जो कुछ करो मेरे लिए करो, भगवान के लिए करो, मेरे लिए करोगे तो क्या होगा, तुमको संसार के बंधन तुम्हें नहीं, संसार का बंधन तुम्हें नहीं आएगा। जैसे भक्त एक है घर में, भक्त एक है, वो हर समय क्या सोचता है, ठाकुर के लिए कोई फल है कि नहीं घर में, आज ठाकुर जी के लिए क्या रसोई बनेगी, ठाकुर का क्या भोग लगेगा, अभी ठंडा का समय आ गया, ठाकुर जी के लिए कोई वस्त्र है कि नहीं, ठाकुर जी के लिए कोई वस्त्र है कि नहीं। अगर जिसके परिवार में सबके सब भगवान के भजन करते हैं, हरिनाम करते हैं, भक्ति करते हैं, हैं, अगर उनका भी चिंतन करोगे, अगर वो भजन कर रहे हैं ना, वो बेटा बेटी नाती पति भजन कर रहे हैं, अगर तुम उनका भी चिंतन करोगे ना, एक तरह से तुम्हारी भक्त सेवा हो रहा है। किसका सेवा हो रहा है, भक्तों की सेवा हो रही है। क्यों, सबके सब भजन कर रहे हैं। अब देखना अंतिम समय में जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, नाती पोती बेटा बेटी चारों तरफ में घिरे हुए रहते हैं। बेटी कहते हैं पिताजी वो तो मरने जा रहा है, पिताजी मेरे को पहचान रहे कि नहीं, मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। दामाद आता है कहते हैं ससुर जी मेरे को पहचान नहीं कि रहे, मैं आपकी छोटा दामाद हूँ। अब नाती पोती चारों तरफ में घिरे हुए, देखना जो अंतिम समय आता है वो सबको ऐसे ऐसे देखते 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 सब चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है। कृष्ण कहते हैं मरने जा मति सा गति, मरते समय जैसे तुम्हारी मति होगी गति तुम्हारी वैसे होगी तुम्हारी। अगर सारा दुनिया को तुम चिंता करते करते मरोगे तो वही संस्कार लेकर के जाओगे ना। जैसे कैलाश ने अगले जीवन में कुत्ता बनकर आया घर में, क्यों, संसार में आसक्ति था, भो करता था, फिर बैल बन करके जो खेती करवाया, फिर सांप बन करके जहाँ पैसा रखा था फिर वही पर बैठा रहा, क्यों, संसार में उसकी आसक्ति थी, वो आसक्ति का पल क्या कर रहा है। लेकिन अगर किसी परिवार में सबके सब भक्ति करते हैं, नाती बेटा पोती कल में कंठी तिलक है, अगर अंतिम समय अगर उनको देख देख करके याद करते करते जाएगा ना, उसको बंधन नहीं होगी, क्यों, सबके सब वैष्णव है, सबके सब संसार में वैष्णव, भगवान हरिनाम करते हैं। तुम जिनको स्मरण करते करके गए हो वो सबके सब हरिनाम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति तिलक माला धारण किए, अंतिम समय इनकी अगर स्मरण करते जाओगे तो अधोगति तुम्हारी नहीं होगी, क्यों, वैष्णव का स्मरण करते करते तुम जा रहे हैं। अंतिम समय जो कोई भक्त शरीर छोड़ता है, भक्त लोग क्या करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, जाते ना अंतिम समय में हरि कीर्तन करते हैं, हरि कीर्तन सुनते सुनते जाओगे तो फिर जैसे तुम मति वैसी गति मिलेगा, क्यों, ठाकुर का कीर्तन करते करते। अगर प्रभु का कीर्तन नहीं, वो दुनियादारी नाती पुती उनको देखते देखते जाओ, वही संस्कार लेकर जाओ, पर संसार में भटकते रहो। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं भैया हमको कर्मवीर नहीं बनना है, हमको तो भक्तवीर बनना है, भगवान की भक्तवीर बनो, कर्मवीर नहीं बनो। इसलिए हमारे प्रति पदभिक्षे नियामक अर्थात गुरुपाद पद में अनुगत्य विशेष प्रयोजन, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए जीवन में, प्रभुपाद कहते हमें ये करनी चाहिए, हर समय गुरु की अनुगत्य में हमें चलनी चाहिए। जब गुरु की अनुगत्य में हम चलेंगे फिर गुरु क्या करते हैं, गुरु मतलब क्या, बोले गुकार अंधकार रुकार तस्य निरोधक, गुरु मतलब होता है ये अज्ञान के अंधकार को हटा करके जो दिव्य आलोक है, जो भगवान की भक्ति है, वो हमें उसी तरफ पे ले जाने की कोशिश करते हैं। हर समय वही गुरु है हमें जो भगवान की भक्ति मार्ग में हमें जो हर समय चलाने के लिए जो चाहे, प्रभु की प्रेम के मार्ग पर जो चलाने के लिए चाहे वो गुरु है। अगर उनके अनुगत्य में अगर हम सब कुछ करेंगे तो फिर उसमें बंधन तुम्हारी प्राप्ति नहीं होगी, उसके साथ में भगवत चरण की प्रेम की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवत सेवा अपेक्षा भक्त सेवा अधिक मंगलप्रद, यहाँ पर कहते हैं कहते भगवान की सेवा से हमारी जितने मंगल होगा, कहते जब हम भगवान के भक्तों का सेवा करेंगे ना उससे ज़्यादा हमारी मंगल होने वाले, क्योंकि
भगवान की जो मार्ग दिखाने वाले कौन है? भक्त लोग है। उनका मार्ग दिखाने वाले भक्त है। और भगवान का निवास कहाँ पर है? बोले भक्तों का हृदय में ही प्रभु का निवास है। अगर कोई भक्त अगर खुश हो गया तो समझो भगवान हमारे घर में, ठाकुर जी प्रसन्न, हमारे घर में ठाकुर जी की प्रसन्नता हो गई है। इसलिए भक्त नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। कहते भक्तों का हृदय में भगवान बैठे हैं, और भगवान क्या कहते मेरे प्राण कौन है? कहते भक्त है। इसलिए अम्बरीश महाराज हाँ, जिसमें दुर्वासा जी ठाकुर जी के पास में गए, बोले अपराध माफ कर दो। भगवान बोले देखो हृदय से मैं अपराध को माफ करते ना, मेरे हृदय तो मेरे पास में है ही नहीं, मेरे तो हृदय तो अम्बरीश के पास में। अगर तुम माफी चाहता तुम अम्बरीश के पास में, अम्बरीश के पास में जाओ। इसलिए कहते भक्त सेवा। इसलिए महाप्रभु मुझे महाप्रभु बोले दो काम करने के लिए। महाप्रभु बोले कहते हैं कि वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र भावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु बोले दो काम कर लो बस तुमको भगवत प्राप्ति होगा। बोले दो काम क्या करेंगे? बोले एक काम तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले भगवान के नाम को जप करो। कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप करो। ठाकुर अंतिम समय में यही ठाकुर जी की पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसलिए मिलेगा प्रभु का नाम ही मिलेगा। इसलिए क्या करो? हरे नाम हर समय करो। बोले दूसरा काम क्या करो? बोले वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा करो। भक्तों की सेवा करने से क्या होगा? संसार का जो बंधन है वो धीरे धीरे खत्म होगा। जब कोई वैष्णव का सेवा करोगे, जैसे कोई चीज वैष्णव को देते हो, वैष्णव तो ठाकुर को बिना देख रहे खाएंगे। वैष्णव को जो सचमुच से जो भगवान के भक्त होंगे उनके लिए अगर कोई चीज दिया है उनको, फिर वो क्या करेंगे? पहले ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे। भगवान की सेवा में लगा करके तब उसको प्रसाद रूप में चीज को प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। इसलिए जो सचमुच से जो वैष्णव होगा, ऐसे नहीं बीच में किसको कोई चीज स्वयं हड़प लिया, नहीं, फिर तो वैष्णव है नहीं। वैष्णव है नहीं, वैष्णव हुए हैं जब हम कोई चीज उनको देते हैं वो हर चीज को भगवत सेवा में ही लगाते हैं। ये ठाकुर को सेवा में लगा कि ये वैष्णव का धर्म है। अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लगा करके अगर बीच में अगर कोई अपहरण करने के लिए चाहते, फिर तो वैष्णव नामधारी वैष्णव है नहीं, उसको वैष्णव नहीं कहेंगे। अगर वो कोई बीच में भगवत सेवा की वस्तु अगर बीच में कोई अपहरण करता है, फिर उसका दंड बड़ा कठिन दंड होता है, फिर प्रेत जन्म में जाना पड़ेगा। हाँ, एक भूत ने हमारे जो परेशानंद प्रभु भूत पकड़ा था ना, वो मरने से पहले बोल कर गया, खुद बोल कर गया, बोले सावधान कुछ साधु भी भूत बन करके वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। वो खुद बोले कुछ साधु भी भूत बन करके परिक्रमा लगा रहे, खुद बोल कर गए सावधान रहना, क्योंकि जो भगवत संपत्ति है, जो ठाकुर का संपत्ति है, अगर इसको कोई अपहरण करता है, वो स्वयं भूत बन कर कभी पूछ लेना, वो सारी बात बताएगा, बोले भूत मेरे को बात बोल कर गया है। ये भगवत संपत्ति को अगर कोई बीच में अपहरण करता है, ये प्रेत जन्म में जाएगा, भूत बन करके घूमते रहेगा। इसलिए एक समय कोई कोई गुरु भाई किसका था साधु, कोई मर गया था, हठात देखा कहीं, बोले तू मर गया था या कैसे खड़ा? बोले मैं प्रेत जन्म में आ गया। बोले कैसे? बोले तू तो साधु था। बोले ऊपर ड्रेस पहनने से पर ये मत समझो रक्षा हो जाएगी तुम्हारी, ये मत समझो हम साधु का पोशाक ड्रेस पहन लिया और हो गया, बल्कि साधारण व्यक्ति कोई गलत काम करे ना, उसको जो जितना दंड है, पुलिस अगर कोई करता उससे ज़्यादा दंड है, तो पुलिस ही होकर के तुम दंड कैसे, ये गलत काम तुमने कैसे की है, हैं उसको ज़्यादा दंड है, हैं। इसलिए बोले मेरे कुछ लोगों ने पैसा दिया था, वो पैसा को मैंने भगवत सेवा वैष्णव सेवा में नहीं लगाया, वो पैसा अमुक स्थान पर रखा हुआ है, तुम जाओ ये पैसा को लेकर के ठाकुर की सेवा में लगाना, और सारे वैष्णवों को तुम निमंत्रण दो संतों को, और ये ठाकुर की सेवा में लगा करके फिर ये प्रसाद को सब वैष्णवों को प्रसाद खिला दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी।
बड़ी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए जब हम कोई सचमुच से कोई वस्तु हम वैष्णव को देते हैं, वैष्णव लोग क्या करते हैं, उसको पहले भगवत सेवा में, उसको ठाकुर जी को सेवा में लगाते हैं, तभी वो वैष्णव। अगर बीच में कोई अपहरण करेगा तो वो सारे पाप उसको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं दो काम करो, एक तो वैष्णव की सेवा करो और दूसरा क्या है, और भगवान की नाम जप करो, इसी से ही तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते भगवत सेवा अपेक्षा भक्त सेवा अधिक मंगलप्रद, भगवत संग अपेक्षा भक्त संग द्वारा जीव बेसी उपकार। फिर कहते हैं भगवान की संग से ज्यादा संग किसका लाभ, भगवत संग से जो लाभ है, ज्यादा संग किसके लाभ है, भक्तों का। क्योंकि भगवान तो हमसे कोई बात नहीं करेंगे ना, ठाकुर कभी बोलेंगे हैं, ठाकुर कभी बोलते हैं हम तो मेरे नाम जप कर, जो कुछ प्रसाद पाओ, मेरे को भोग लगा कर खा, मेरे को बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाया हैं, मेरे सेवा कर, ठाकुर कभी बोलते ही बात को, ठाकुर ये बात कभी ठाकुर ही नहीं बोलते, ये बात कौन बोलते हैं, संत बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ये भक्त बोलते हैं। इसलिए जो सचमुच से जो शुद्ध संत हैं, भगवान खुद कहते हैं अगर मेरे ये हाथ, अगर कभी मेरे भक्तों का विरोध में मेरे हाथ भी जाएगा, भगवान कहते हैं मैं अपने हाथों को काट डालूंगा, मैं अपना हाथ को भी सहन नहीं कर सकता हूँ मेरे भक्तों का विरोध में मेरे हाथ भी कहीं नहीं जाए हैं। इसलिए वैष्णव संग से ही, वैष्णव संगत मन आनंदित अनुकन सदा है कृष्ण पर संग। जब हम वैष्णव का संग करेंगे क्या होगा, वैष्णव संगत मन आनंदित अनुक्षण, हर समय वैष्णव का संग से आनंद ही आनंद। बोले क्यों, भक्तों का संग में आनंद है, सदा है कृष्ण पर संग। जो सचमुच से जो संत हैं वो भगवत चर्चा, भगवत सेवा, भगवत कथा के सिवाय और कुछ नहीं करते हैं, वो जो कुछ करते हैं भगवान की सेवा ही करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए उनका संग से क्या होगा, उनके संग से हर समय भगवत संग प्राप्त होता है भक्त सेवा से। लेकिन वो भक्त है ऐसे नहीं कि जो भक्तों के पास में गए हरि चर्चा भगवत चर्चा को छोड़ करके विषय चर्चा कर रहे हैं, कोई विषय चर्चा कर रहे हैं, कल भैया वो भक्त नहीं, उसको भक्त नहीं कहेंगे। जो विषय चर्चा करते वही भक्त हैं, भगवान खुद कहते हैं मत कथा मद कथा चिंता बधयंते परस्परम कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का क्या लक्षण है, बोले मत कथा, जो हर समय मेरी कथा में रहते हैं, मदगत चिंता, मेरी चिंता छोड़ करके और कोई चिंता करते नहीं। बोले बोधयंते परस्परम, जब आपस आपस में कोई चर्चा करते हैं, मेरी कथा छोड़ कर कोई चर्चा उनकी है नहीं, कहते ये वैष्णव ये संत है। संत को पास में जाए भगवान की चर्चा छोड़ करके सारा दुनिया की इधर उधर की चर्चा करे, वो संत है ही नहीं, वो संत वेश में वो कलंक है, वो संत कभी हो ही नहीं सकता है, हैं? इसलिए भगवान संतों की लक्षण बताते हैं, भगवान संतों की लक्षण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवत संग अपेक्षा भक्त संग द्वारा जीवन बेसी उपकार है। जब हम भक्तों का संग करेंगे हमारी ज्यादा ही उपकार, ज्यादा ही मंगल। अभी हम एक गांव में गए थे कथा करके आए सहारनपुर में, हैं? वो सब जब जब एक माता जी आए, बोले बाबा आप तो, हम इतना दिन से तो ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे थे लेकिन हमें कुछ पता नहीं था, हैं? हम तो प्याज लहसुन भी खाते थे, ठाकुर को भी प्याज लहसुन भोग लगा देते थे, हैं ठाकुर जी को, और आप जो हमको बोलता है एकादशी व्रत करो, प्याज लहसुन छोड़ो, हरि नाम करो, भगवान की हरि नाम करो, ठाकुर को अच्छे तरह से श्रृंगार करो, ठाकुर को सजाओ, ये बात तो हमको अभी तो किसी ने बताया नहीं इस बात को, हैं? इसलिए इस बात बताया नहीं, इसलिए इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं, इसलिए भक्त संग में ही जाता जीव का कल्याण है। भगवान हमसे तो कुछ बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं भगवान कुछ। इसलिए भगवान ने स्थान अपेक्षा भक्त स्थान अर्थात गुरु गृह शुद्ध भजन अधिकतर अनुकूल, यहाँ पर कहते हैं, कहते भगवान ने स्थान अपेक्षा, जैसे जिस मंदिर में ठाकुर जी रहते हैं, भगवान जिस स्थान पर ठाकुर जी रहते हैं, स्थान अर्थात गुरु गृह भक्त जन अधिकतर अनुकूल, जहाँ पर भगवान रहते हैं वहाँ पर रहने पर हमारे जितने कल्याणदायी, अगर गुरु जी के स्थान पर रहेंगे तो उसमें ज्यादा कल्याण है। बोले क्यों, कारण क्या,
कारण है, जब गुरु गृह में रहेंगे, गुरु जी के पास में रहेंगे, गुरु जी हमें हर समय शासन को द्वारा, प्रेम को द्वारा, भक्ति को द्वारा हमें भगवान भक्ति की मार्ग को हम बताते रहेंगे, भगवान की भजन के मार्ग के बारे में बताते रहेंगे। इसलिए कहते गुरु गृह वह भक्तों का जो गृह उससे ज्यादा दिव्य कल्याण दायी है। जब हम भक्तों का संघ में रहते हैं, भक्त संघ में रहते हैं, उसमें क्या होता है, जब भक्तों के साथ में हम रहते हैं उसमें क्या लाभ होता है, अगर हम कोई गलती काम करते हैं ना, तो उसी समय में क्या होता है, हमको भक्त लोग कभी कभी टोक देते हैं, देखो ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। एक समय कोई एक था, कोई वैष्णव था, वो गुरु जी को स्थान छोड़ करके उसने क्या किया, उनने चला गया गिरिराज गोवर्धन। जब गिरिधारी गोवर्धन चला गया, एक दिन गुरु जी ने पूछे, बोले भजन कैसे चल रहा है, बोले बहुत बढ़िया चल रहा है। बोले कैसे, बोले रोज गिरिराज की परिक्रमा करता हूँ और भगवान का नाम जप करता हूँ, बस भाई प्रसाद लेकर खा लेता हूँ। तो गुरु जी ने बोले बोले बेटा ये बेटा ये बताओ, तुम जैसे यहाँ पर मंगलारती में उठता था, हरि नाम करता था, भगवत सेवा वैष्णव सेवा करता था, क्या वहाँ पर मिलता है वो सब काम को, अगर तुम कोई गलत काम करते हो, कोई तुमको टोकने वाले कोई है क्या तुमको, अगर तुम सो रहे हो, जैसे वैष्णव के साथ में जब मंदिर में रहते ही नहीं, सब लोग मंगलारती में आ रहे हैं, हमको भी मंगलारती में, हमें भी मंगलारती में जानी चाहिए, सबके सब कीर्तन में बैठते हैं, हम भी जाकर कीर्तन में बैठे, सबके सब कथा सुनते हैं, हम भी जाकर के कीर्तन सुने, वैष्णव संघ में क्या होता है ये चीज हो जाता है। लेकिन जब कहीं अकेले रहना शुरू कर दो ना, जब इच्छा सो, जब इच्छा खाओ, जब इच्छा उठो, जो इच्छा अपना मन मर्जी करो, कोई वैष्णव कोई अगर गलत काम करते हैं कोई कुछ बोलने वाले नहीं, लेकिन जब सबके सामने हम रहते हैं ना, फिर कोई गलत काम करने के लिए उसमें हम हिचकिचाट आती है, नहीं अगर ये गलत काम करेंगे तो क्या होगा, हमको व्यक्ति हम टोक देंगे, वैष्णव लोग हमें शासन करेंगे, उस समय हमारे अंदर में ये डर भय रहता है। लेकिन जब अकेले हो जाते हैं, अपना मन मर्जी करो, जो इच्छा करो, जो इच्छा खाओ, जो इच्छा घूमो, वहाँ पर कोई बोलने वाले है नहीं। इसलिए बोले वैष्णव संगत मान, इसलिए जो वैष्णव का साथ में, विशेष कर कलयुग में संघ है शक्ति, कलयुग में संघ में ही शक्ति है, अकेले में भजन नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने उन्हें गोष्ठानंदी का उन्होंने बताया, उन्होंने भजनानंदी की महत्व तो नहीं दिया, गोष्ठानंदी का भजन दिया। क्यों, गोष्ठानंदी में क्या होता है ना, एक दूसरों को देखता रहता है, एक दूसरों को देखता रहता है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर दो व्यक्ति रहो ना, तुम्हारे अंदर में कोई गलती भावना होगा तुम नहीं कर सकते, क्यों, एक दूसरे को देख रहा है। लेकिन अकेले कहीं रहोगे ना, अकेले कहीं रहोगे, जो मन में तुम्हारी होगा वही कर डालोगे, क्यों, कोई कुछ बोलने वाले तुम कहे नहीं, तुम कोई शासन करने वाले है नहीं, तुम गलती काम करोगे भी गलती काम करते रहोगे। लेकिन भक्तों के साथ में रहोगे तो नहीं, वो मेरे को देख रहा है, वो मेरे को देख रहा है, गलती काम हम करें कैसे, फिर दूसरे व्यक्ति हम टोकेगा ना। इसलिए कहते हैं कलयुग में भैया इतने तुम है ही नहीं, तुम अकेले रह कर तुम भजन साधन कर लोगे नहीं, वैष्णव के साथ में रहो, भक्तों के साथ में रहोगे तो, जैसे देखो अगर हम कहीं अगर अकेले होते, जैसे यहाँ हरि चर्चा हो रही है, भगवत कथा, अकेले रहता था हम कथा किसी को क्या दीवार को सुनाते ना, पेड़ पौधा को सुनाते, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर बैठ करके हरि कथा हरि कीर्तन हो रही, क्यों, यहाँ पर भक्त लोग है, मिलजुला यहाँ पर भक्त लोग है, तभी तो भगवत चर्चा हरि कथा हो रही है। अगर नहीं होते तो अकेले रहता तो भजन किसको कथा सुनाएंगे, दीवार को। इसलिए अकेले भजन नहीं हो सकता है कलयुग में। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, एकाकी आमार नाहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। अकेले कलयुग में भजन नहीं कर सकते हो, हैं, इसलिए संघे शक्ति। जब जैसे कल आए, कीर्तन हुआ, नाच कूद किया, आनंद आया कि नहीं, अकेले होता तो चीज होता नहीं, होता है सब चीज, कोई उत्सव हो रहा है ठाकुर के लिए, श्रृंगार हो रहा है ठाकुर के लिए, फूल बना रहे, कोई ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे, आनंद होता है ना, हाँ कोई उत्सव आता है ये बन रहा है वो, उसमें आनंद होता है, अकेले हो तो नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हमें भगवान रे स्थान अपेक्षा, कहते भगवान जहाँ पर रहते हैं उससे भी ज्यादा गुरु गृह है भक्तों का स्थान में अधिकतर अनुकूल, कहते उससे ज्यादा जो अनुकूल है भक्ति की कहाँ पर,
जहाँ पर गुरु जी जहाँ वैष्णव रहते हैं वहाँ पर ज्यादा भक्ति की अनुकूल वहाँ पर, इसलिए जथाई वैष्णवगण से स्थान वृंदावन। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं वृंदावन कहाँ पर है, वृंदावन जहाँ वैष्णव स्थान है, जहाँ वैष्णव स्थान वहीं पर वृंदावन है। और यदि वैष्णव का संग नहीं मिल रहा है, अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में रह रहा है, मानो वृंदावन में रहकर सारे गलत काम कर रहे हैं, वृंदावन के चोर गुंडे नहीं रह रहे, अब आके बिहारी मंदिर में जाओ, इधर घूम कर दूध रहा ना, पकेट खाली, तुम्हारी पकेट खाली है, जमुना किनारे में जाकर देखो उतना नस्ली गंजड़ी भंगड़ी सब घूम रहे हैं वहां पे, सब देखोगे कोई चीज रख करके जाओ झट चोरी खत्म। चोरी तक क्या वो लोग क्या वृंदावन में रह रहे हैं, उनका क्या वृंदावन वास है क्या, नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जैसे वृंदावन से बाहर अगर कोई पाप कर्म करोगे, अगर वृंदावन धाम में कहीं धाम में जाओगे ना वो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएगी, लेकिन अगर कोई भगवत धाम में रह कर कोई अपराध कर रहा है, कोई पाप कर्म कोई गलत काम करता है ना, कहते तो वो वज्रलेप हो जाता है। वज्रलेप मतलब क्या, वो अपराध इतने कठिन हो जाता है, वो अपराध इतने पाप हो जाता है, हृदय पूरा पत्थर बन जाए। फिर भगवान के नाम ले से भगवान की भक्ति से हृदय तुम्हारी द्रवीभूत नहीं होगी, हृदय पिघलेगी नहीं, हृदय में आनंद नहीं जाएगा। क्यों, तुम भगवान के स्थान में रह करके धाम में रह करके तुम सारे पाप कर्म को धाम में रह करके सारे पाप कर्म कर रहे हो, इसलिए कहते वो माफ नहीं होता है। इसलिए धाम में कहते साधु सावधान, जब धाम में रहो सावधान होकर के रहो, कोई गलत काम मत करो, क्योंकि हम दूसरों को हम छुपा सकते लेकिन ठाकुर जी को गुरु वैष्णव को कोई चीज हम छुपा नहीं सकते, वो सारी चीज को देख रहे। कहते ना चित्रगुप्त, चित्रगुप्त मतलब गुप्त रूप में सारे फोटो हमारे ले रहे, तुम क्या कर रहे हो, क्या घूम रहे हो, क्या जा रहे हो, वो फोटो अपने आप खींच रहा है, फिर वो फोटो अपने आप दिखेगा, जब खुलेगा ना सबके सब फोटो देखेगा, तुमने जीवन में क्या किया कर्म किया है, वो सारे फोटो अपने आप वो फोटो खींच रहा है। इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त है, मतलब क्या वो सारे गुप्त काम को सारे छुपा छुपा करके वो सब फोटो को खींच रहे हैं। इसलिए धाम में रह करके भैया पाप कर्म करना बड़ा गलत काम बताया गया, इसलिए धाम में रहो तो सावधान में ही धाम में हमें रहनी चाहिए, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी है, नहीं तो हृदय सूख जाएगी, हृदय निरस हो जाएगा, भक्ति की भाव खत्म हो जाएगी पूरा हृदय में, कोई भजन भजन की वृत्ति नहीं रह जाएगी हृदय में, हैं। इसलिए यहाँ पर कहते सचमुच से वृंदावन कहाँ पर है, कहते जहाँ पर वैष्णव लोग, जहाँ पर हरि कथा। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं जथाई वैष्णव स्थान सही स्थान वृंदावन, सही स्थान अशेष आनंद, गिरि तथा गोवर्धन, गिरिराज कहाँ पर है, जहाँ पर वैष्णव लोग है, भूमि तथा वृंदावन, वृंदावन कहाँ पर, बोले वृंदावन वहीं पर जहाँ पर हरि चर्चा हरि कीर्तन, जैसे यहाँ पर अगर हर समय हरि कीर्तन हरि कथा भगवान की उत्सव हो ना, वृंदावन यही है। इसलिए प्रभुपाद का जो भक्त लोग है ना, हमने देखा ज्यादा धाम में ज्यादा नहीं रहे, प्रभुपाद ज्यादा कहाँ पर रहे, कलकत्ता में रहे, वहां पर प्रचार किया प्रभुपाद ने ज्यादा। मेरे गुरुदेव भी पुरी में एक मंदिर है, नवद्वीप एक मंदिर है, और एक कलकत्ता में, वृंदावन में गुरुदेव रहते थे, एक वृंदावन हमारे नवद्वीप धाम में, वो कार्तिक महीना में रहते थे नवद्वीप धाम में, और रथ यात्रा के समय में गुरु जी रहते थे पुरी में एक महीना, और जो 12 महीना रहते थे कलकत्ता में 12 महीना। बोले क्यों, बोले यहाँ पर महाप्रभु की सेवा हो रही है, क्यों ग्रंथ वहीं पर छपता था, ग्रंथ वहीं से प्रचार कर ले जाते थे, वहीं पर हरि कथा होती थी, भक्तों जहाँ पर कलकत्ता में ज्यादा भक्त, वहाँ पर ज्यादा भक्त कथा सुनने के लिए जब गुरु जी होते थे वैसे ही वहाँ पर रोज कथा सुनने के लिए लोग आते थे, झूलन उत्सव जन्माष्टमी बड़े बड़े रूप में भक्त लोग आते थे ना, भक्त लोग आते थे, इसलिए वहाँ पर क्या होता था कीर्तन पाठ हर समय महापुरुष का प्रचार। इसलिए गुरुदेव कहते थे हम तो देखते हैं महापुरुष का प्रचार कैसे हो। इसलिए प्रभुपाद का जितने शिष्य आप देखोगे, प्रभुपाद भक्ति माधव महाराज, भक्ति बिलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, जिनके धाम में ज्यादा दिन नहीं देखा दिखाई पड़ता, जहाँ प्रचार हो हरि कथा कीर्तन हो, जहाँ हरि कथा प्रचार हो वहाँ पर ज्यादा सबके सब ज्यादा उसी में ही समय व्यतीत करते थे, हैं। नहीं कहते नहीं हमें धाम में रहनी है, हैं, हमें धाम में रहनी है, कभी कभी ज्यादा अपराध करोगे ज्यादा मरोगे फिर वहाँ, हैं। इसलिए महाप्रभु कभी कभी बोले गोवर्धन चढ़िया ना उठियो गोपाल, वृंदावन जाइया ना रहे बचिर काल, मना कर दिया, वृंदावन रह के जाता समय मत रहा करूँगा, मना कर देते हैं।
वृंदावन जाया ना रहे चिरकाल, ज्यादा समय वहां नहीं रहना, कोई अपराध अपराध करोगे तो वज्रलेप हो जाएगी हृदय तुम्हारी, सूख जाएगी हृदय तुम्हारी। इसलिए अगर धाम में हो जो भजन की वृत्ति है, अच्छे तरह से वहां रह करके हैं निष्कपट होकर रह करके सही सही रूप में साधन भजन करो, नहीं तो गड़बड़ी करके रहेगी। बोले वृंदावन धाम कर रह रहे, वृंदावन धाम थोड़ी रह रहे हो, माया में रह रहे हो, वृंदावन धाम है ही नहीं वहां। इसलिए साधु सावधान बताए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं शुद्ध भक्त अधिक दर अनुकूल, कहते भक्ति का जो अनुकूल ज्यादा रहता है भक्तों का संगम है। इसलिए जथाई वैष्णव गण सही स्थान है वृंदावन, ये सब कथागुली भालो करे बुझा दरकार रोगवाद, कहते उसको अच्छे तरह से, जैसे यहाँ मंदिर है यहाँ पर आओ कीर्तन कथा उत्सव चलता है ना, बस यही तुम्हारे वृंदावन रह रहे हो। अगर अपना घर में प्रभु का भजन कीर्तन कर रहे हो, बस घर नहीं तुम्हारी, क्या है घर तुम्हारी, वृंदावन धाम ही तुम्हारी घर है, हैं तुम्हारे घर ही वृंदावन धाम, सब हरि नाम ठाकुर का नाम कीर्तन भजन कर रहे हो, वही वृंदावन है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं एक कथागुली भालो करी बुझा दरकार, अच्छे तरह समझो, ता ना करे हमारा यदि गुरु सेवाए उदासीन है ताहले सेवक होते पार लाभ ना। अगर हम लोग ये नहीं करके गुरु सेवा में तत्पर नहीं हो करके अपनी मनमानी करने की इच्छा करोगे तो कहते भैया फिर उदासीन है, फिर सेवक नहीं हो सकती, अहंकार हो गए लाभ बहरी जगत चिंता स्रोत ही आवक धकला। इसलिए क्या हो जाएगा, पर अहंकारी हो जाएंगे, हो करके बहरी जगत का चिंता स्रोत में उसमें ही डूबे रह जाओगे। इसलिए राधा गोविंद पाद पद में सेवार कथा व्यतीत आर बड़ो कथा है, बड़ो कथा नाई, सबसे बड़ी क्या काम क्या है, पर ठाकुर को सेवा भगवान की सेवा। राधा गोविंद पाद पद में सेवार कथा व्यतीत, उनकी कथाओं को छोड़ करके जगत में और जगत में कुछ चीजें है ही नहीं, उनकी सेवा हो उनकी भक्ति हो उनके नाम हो, यही सब कुछ यही है, है? सुतराम अधक सज सेवा वंचित होए जाते अधक सिज होए ना पड़ी तजन सर्वक्षण हरि कथा श्रवण दरकार। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हर समय क्या करो, भगवान की सेवा पूजा कीर्तन में हर समय उसमें डूबे रहो, और अधक सिज मतलब ये जगत का बंधन में बंधित नहीं होकर क्या करो, हर समय ठाकुर का सेवा पूजा में उसमें डूबे रहनी चाहिए। तजन सर्वक्षण हरि कथा श्रवण करा दरकार, ऐसे कैसे होगा, वो कैसे हो सकता है, अगर हर समय देखना हरि चर्चा हरि कीर्तन, जैसे हम लोग बैठे यहाँ पर हरि चर्चा हरि कीर्तन हो रही है, अब हमारे मन और कहीं किस चीज में लगा हुआ क्या, ठाकुर कथा में ठाकुर का कीर्तन में लगा हुआ है। लेकिन अगर हरि कथा में रोज नहीं घूम घूमो इधर उधर घूमते रहो, जिंदगी भर घूमते रह जाओगे, पर कोई लाभ होने वाले नहीं है, कुछ भी लाभ होने वाले नहीं। इसलिए हरि कथा हरि कीर्तन जिस समय होता है हमारा मन उसमें डूबा रहता है, उसमें ही मन रहती है, अगर उसको छोड़ करके इधर उधर घूमे जिंदगी घूमते रहो और क्या। इसलिए यहाँ पर के दरकार हरि भजन प्रति हमारे तीव्र दृष्टि रखा आवश्यक, कल भगवान की भजन का प्रति हमारी जो तीव्र दृष्टि है इधर उधर हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, दृष्टि केवल एक चीज में जानी चाहिए, ठाकुर का नाम कीर्तन भजन को जामे दृष्टि जाओ, कारण अनेक जन्म कटे गए छे अन्य अन्य कार्य यही जन्म ही जाते सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन लाभ है तस् सर्वगण सतर्क था। प्रभुपाद कहते हैं इसको पहले जो जीवन हमारी बीती है, हाँ जो जीवन हमारा गया है वो सब बेकार हमारे जीवन गया है, क्योंकि प्रभु की भजन नहीं हुई, प्रभु की भक्ति हमने नहीं कर पाए, लेकिन कृपा करके ठाकुर जी ये जीवन हमें सत्संग दिया, भगवान की भक्ति मिली, भगवान की भजन कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं विभिन्न काम में दूसरे जिसमें जीवन हमारे बर्बाद नष्ट हो गया, जैसे ये जीवन को जैसे नष्ट मत करो, इधर उधर चीज में गवा करके नष्ट नहीं करो, हर समय क्या हो सर्वक्षण सतर्क रहना, हर समय सतर्क रहना, क्या समय जैसे हरि कीर्तन हरि नाम के व्यतीत और कोई गलत काम में जैसे हमारे मन नहीं जाए, हर समय नष्ट रहने चाहिए, सावधान खूब सावधान भये आदर पृथ्वी सहित सर्वक्षण गुरु कृष्ण सेवा कर ले भगवत अनुभूति हवे, यदि हमें भगवत अनुभूति क्यों नहीं हो रही, किसने प्रश्न किया ना, हमें भगवत अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, कारण क्या है, बोले कारण है हम भगवत भजन करेंगे तो तब भगवत अनुभूति होगा, हम तो प्रभु की भजन छोड़कर गलत गलत काम में लगे हुए इधर उधर गंदी गंदी काम में पड़े हुए, तब बोले भगवत अनुभूति नहीं होगा, कहाँ से अनुभूति, जब भगवत भजन भक्ति करोगे ना तभी होगा ना। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी क्या बोले, भक्ति का डेफिनेशन क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरी की अभिलाष छोड़ो, दूसरे की जो अभिलाष
हैं, इसको छोड़ करके अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, हर समय जब हम भगवत अनुशीलन भक्ति का अनुशीलन करेंगे तभी तो भक्ति होगा, तो कर ही नहीं रहे बोले भगवत अनुभूति हो नहीं रहा, होगा कहाँ, जिसे तो पीछे लगे वही अनुभूति होगी, उसको भगवान के पीछे तो लगे ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं क्या करो, खूब सावधान होकर के आदर और प्रीति को साथ में सर्वक्षण गुरु कृष्ण रे सेवा कर ले भगवत अनुभूति। जब गुरु जी और वैष्णव ठाकुर को सेवा करेंगे तभी तो हमें भगवत अनुभूति तभी होगी, नहीं करेंगे तो भगवत जिसकी जिसके लिए करोगे वही अनुभूति होगी, और क्या, जिसके लिए करोगे तो वही अनुभूति होगी। इसलिए भगवान के लिए करेंगे, भक्तों के लिए करेंगे, तभी तो हमें जीवन में भगवत अनुभूति होगी। इसलिए ये किसी भक्त का प्रश्न था, प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया, अगर इसको हम अपना जीवन में उतारेंगे तो हमारे भी कल्याण होगा। ठीक है, वंशागल भो वैष्णव हरे कृष्ण। हाँ चलो चलो हम लोग था कीर्तन कर लेते, ठीक। क्या है कीर्तन है, दाबा न अला सब मृत लिया संसार धनी दग्ध जीव कुला उधर कारणी करुण बारी तो कृपा बारी दानी बंदी से गुरु चरण कमला मृत गीत वाद त्रिहरि कीर्तनी रहे न मगन महामत मनी रोमांच संभाजो हरि गौर प्रेमी वंदित गुरु चरण कमला सदा रसायी विग्रह सेवनी सिंगार दिया मंदिर मार्जनी करे नहीं युता अनुगत जनी वंदित गुरु चरण कमला चर्बु चले पेयर समय प्रसाद न कृष्ण अति साधु है भक्तवादनी कर वंदित गुरु चरण कमला श्री राधा माधव नाम रूप गुणी अनंत माधुर्य नीलास्वादनी लोकगीतनी हर प्रतिष्ठनी वंदित गुरु चरण कमला प्रज युग द्वंद रति संवर्धनी युक्ति करे सभी सदृष्टावनी अति दक्षतारे प्रियतम गणी मधुकाय रस
Thank you.
Thank you.
कृष्ण कीर्तन गान नर्तन करो
तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेन्द्र तुम्हें।